डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टू कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करने का रूल सीखेंगे। तो इस काल के वाक्यों की पहचान क्या होती है, आइए देखते हैं। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहता रहेगा, रहती रहेगी आदि शब्द पाए जाते हैं। साथ ही कार्य के जारी रहने का समय भी दिया होता है। जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा था, उसमें भी कार्य के जारी रहने का समय दिया होता था। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी कार्य के जारी रहने का समय दिया होता था। उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। जैसे उषा 2 बजे से, देखिए कार्य के जारी रहने का समय दिया हुआ, 2 बजे से अपने बच्चों को पढ़ा रही होगी। बच्चे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे। क्या तुम सुबह से पढ़ रहे होगे? वह 2 घंटे से खाना क्यों नहीं बना रही होगी? तो सभी वाक्यों के अंत में आप देखें, पहले वाक्य के अंत में रही होगी, दूसरे वाक्य के अंत में रहे होंगे, तीसरे वाक्य के अंत में रहे होंगे और चौथे वाक्य के अंत में रही होगी। साथ ही साथ आप देखें तो पहले वाक्य में भी समय दिया हुआ है 2 बजे से, दूसरे वाक्य में समय दिया हुआ है 2 घंटे से, तीसरे वाक्य में समय दिया हुआ है सुबह से, चौथे वाक्य में समय दिया हुआ है 2 घंटे से। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट में आप हैव का यूज कर चुके हैं, यहाँ बीन बढ़ गया, हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। प्लस ऑब्जेक्ट टू, फिर कर्म को लिखते हैं। प्लस सिंस या फार, समय के अनुसार। हमने बताया था आपको, जो निश्चित समय है तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय है तो फार, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार का प्रयोग करेंगे। प्लस टाइम प्लस समय, तो ये रूल है हमारा। सबसे पहले हम कर्ता को लगाएंगे, कर्ता के बाद कर्ता के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव बीन लगाते हुए मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आएंगे जोड़ेंगे, और फिर कर्म को रखते हुए समय के अनुसार सिंस या फार का प्रयोग करके समय को लिखते हैं। जैसे तुम बहुत देर से अनिल की प्रतीक्षा कर रहे होगे, तो यहाँ सब्जेक्ट है तुम, हमने लिखा यू, अब यू के साथ विल का प्रयोग हुआ तो हमने विल लगाया, हैव बीन लगा दिया, क्रिया है प्रतीक्षा करना तो प्रतीक्षा करने की हमने लिखा वेट, आई जोड़ दिया, वेटिंग हो गया। फॉर अनिल, और फिर समय देखा बहुत देर से, फॉर ए लॉन्ग टाइम। पूरा वाक्य बना यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर अनिल फॉर अ लॉन्ग टाइम। दूसरा उदाहरण देखें, मैं 30 वर्षों से यह कार्य कर रहा हूँगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है मैं, हमने पहले लिखा आई, आई के अनुसार हमने लगाया शैल, हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर, समय हमारा अनिश्चित है इसलिए फॉर का प्रयोग किया, 30 ईयर्स। पूरा सेंटेंस बना हमारा आई शैल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 30 ईयर्स। देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या है। तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यानी सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट, कर्ता को लगाना है, कर्ता के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करना है, और फिर नॉट हैव बीन लगाना है। कुछ लोग हैव के बाद नॉट जोड़ते हैं, गलत है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में चलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चलेगा, लेकिन यहाँ नहीं, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ध्यान रखिएगा। नॉट हैव बीन, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, और फिर कर्म को रखते हुए समय के अनुसार सिंस या फार का प्रयोग करते हुए समय को रखते हैं। जैसे बच्चे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे, तो इसमें
सब्जेक्ट हमारा है द चिल्ड्रेन, बच्चे। विल का प्रयोग किया, नॉट हैव बीन। क्रिया है पढ़ना, तो रीडिंग हो गया फॉर टू आवर्स। पूरा वाक्य बना, द चिल्ड्रेन विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर टू आवर्स। एक अन्य उदाहरण देखें, हम शाम से नहीं सो रहे होंगे। हम के लिए वी का आपने प्रयोग किया, शैल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। वी शैल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, पूरा वाक्य बन गया हमारा। अब इसके बाद हम देखते हैं इंटरेटिव सेंटेंस बनाने का रोल। तो इंटरेटिव सेंटेंस में पहले हम विल का प्रयोग करेंगे, विल या शैल में से एक का प्रयोग करेंगे, फिर विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले कर्ता के अनुसार हमें विल या शैल का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद कर्ता का प्रयोग करते हुए हैव बीन लगाते हुए मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी लगाते हैं, और फिर कर्म को रखकर समय के अनुसार सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए समय को रखते हुए क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे क्या बच्चे सुबह से पढ़ते रहे होंगे, तो विल द चिल्ड्रेन पहले हमने लगा, क्या पहले आया हुआ है तो हमने विल लगाया, द चिल्ड्रेन सब्जेक्ट हमने लगा दिया, हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग निश्चित समय है इसलिए हमने सिंस का प्रयोग किया। तुम 8 बजे से स्कूल क्यों जा रहे होगे, अब देखिए इस वाक्य में क्यों शब्द वाक्य मध्य में आया है, तो हमने पहले लिखा वाई, विल यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 8 o'clock, वाई विल यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 8 o'clock। इसके बाद देखते हैं इंटरेक्टिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल। तो इंटरेक्टिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या बात 2 घंटे से खाना बना रही होगी, क्या वह 2 घंटे से खाना नहीं बना रही होगी, तो विल सी नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स।